अगर आपके YouTube चैनल पर आपने कोई वीडियो बनाई और उसमें काफी सारे व्यूज आ भी गए, या उसमें धीरे 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 व्यूज आने लग गए, या वो वीडियो पहले तो चली नहीं लेकिन उसमें धीरे धीरे व्यूज आने लग गए और फिर काफी सारे व्यूज आ गए और एक दिन अचानक व्यूज रुक जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है। तो भाई इसी पर ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो देखिए, आपकी कोई भी वीडियो है अगर उस पर व्यूज आ जाते हैं या फिर धीरे धीरे उस पर व्यूज आते रहते हैं और काफी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से व्यूज रुक जाते हैं, जहां पे 1000 व्यूज डेली आते थे वहां पे 1-2 ही व्यूज आने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मैं वो चीज बता रहा हूं जो सारे बड़े बड़े यूट्यूबर करते हैं और मैं भी करता हूं, और इसका डेफिनेटली फायदा होता है। देखिए, अगर मान लीजिए सपोज आपने किसी भी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो भले ही इनिशियली बहुत ज्यादा चल गई है, या फिर वो सर्च में बहुत चल रही है, या वो रिकमेंडेड में बहुत चल रही है, और उस पर काफी सारा व्यूज आ गया है, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद भी अगर उसमें व्यूज रुक जाता है, आपको लगता है कि 10-5 ही व्यूज आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं। पहला काम, उस वीडियो का आप टाइटल और थंबनेल बदल दीजिए। टाइटल थंबनेल बदलने के बाद आपको यहाँ पे 1 वीक वेट करना है और आप उसका एनालिटिक में जाके ग्राफ देखिए। अगर ग्राफ आपको ऊपर उठता हुआ नजर आता है तब तो ये वीडियो फिर से चल पड़ा है, और अगर मान लीजिए इसके कीवर्ड वगैरह SEO भी चेंज करने से कुछ नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को वहीं छोड़ दीजिए। ऐसा जो आपका वीडियो है जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक को वापस से YouTube पर ही सर्च करिए और फिर देखिए किन किन का वीडियो ऊपर आ रहा है, तो उनसे मिलता जुलता आप एक वीडियो बनाइए बड़ा सेम इसी टॉपिक पे और नया वीडियो अपलोड कर दीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं आपके नए वीडियो पर भी अच्छे व्यूज आएंगे। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं और वो बहुत ज्यादा चले, और जब उन पे व्यूज रुक गए मैंने सेम टाइप के दोबारा जब वीडियो बनाए तो वो काफी चले, और ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं और उनको बेनिफिट होता है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपको हर साल एक नया वीडियो बनाना पड़े सेम टॉपिक पे, तो आप थोड़ा बहुत टाइटल कीवर्ड में चेंजेस जरूर रखना, सेम टाइटल मत लगाना वरना आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वीडियो जरूर बनाना। और हाँ, पहले वाला वीडियो अगर 8 मिनट का था तो इसको थोड़ा सा ज्यादा बनाने की कोशिश करना, 8.5 मिनट या 8.25 मिनट, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक चेक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, इस तरह की वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चले मिलता है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।